हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ई कंसल्टेंसी पर, जहां पर मिलती है आपको NGO गवर्नमेंट फंडिंग स्कीम्स और बिजनेस रजिस्ट्रेशंस के बारे में सारी जानकारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है हमारा 12वें और 80G के रजिस्ट्रेशन के बारे में। 31 मार्च 2020 के बाद जो बजट आया था उसमें जो चेंजेस किए गए हैं, जो अमेंडमेंट हुआ है, कहा गया है कि जो एग्जिस्टिंग 12वें का रजिस्ट्रेशन है उन सभी को कैंसिल कर दिया जाएगा और इसके नाम में भी एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसको 12वें के नाम से हम लोग जानते थे। और 31 मार्च 2020 के बाद जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद इसका नाम बदल करके 12AB कर दिया गया है। अगर आपने इसका रिन्यूअल नहीं करवाया, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद आप 12वें 80G के अंतर्गत किसी भी टैक्स में छूट नहीं ले सकेंगे। अब से जो चेंजेस किए गए हैं उसमें एक सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पहले इसका रजिस्ट्रेशन आपको लाइफ टाइम मिल जाता था, लेकिन हर 5 साल में आपको इसका रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। इसका मतलब हर 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, ये लाइफ टाइम नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ने हमारी इस पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए और जो भी NGO से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हो रही थी, इस वजह से गवर्नमेंट ने ये सब अमेंडमेंट लाए और चेंजेस इसमें किए गए हैं। हर 5 साल में अब इसको रिन्यू आपको कराना पड़ेगा। जब भी हर 5 साल में 6 महीने पहले आप इसको रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दें, ताकि आपका ये एग्जेम्पशन होगा वो खत्म ना हो, ठीक है। तो इसकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको बता देता हूँ कि जो सबसे पहले इसकी डेट बताई गई थी 31 मार्च को बताई गई थी, जो हमारा बजट आया था, ठीक है, उसमें कहा गया था कि 31 अगस्त 2020 तक आपको इसको रिन्यू करा लेना है, ठीक है। लेकिन अभी आप इसको दिसंबर 2020 से पहले रिन्यूअल के लिए अप्लाई करवा दें 12वें 80G के रिन्यूअल के लिए। यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट दे दी है, इस लिस्ट का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको सेव करके रखें। और ये डॉक्यूमेंट्स बहुत बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। सबसे पहले आपके NGO का पैन कार्ड, 3 साल की एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स, 3 साल की एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, आपके NGO का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड बायलॉज, अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड, सोसाइटी है तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन एंड बायलॉज, और आप सभी लोगों के मेंबर्स का आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, आपके संस्था की NGO की बैंक डिटेल्स, जो भी आपने लास्ट 3 साल में एक्टिविटीज़ वगैरह की हैं उन सबका फोटोग्राफ, और जो भी आपने प्रेस रिलीज वगैरह दी हैं, तो एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे अपने लैंडलॉर्ड से NOC, जिस जगह पे ऑफिस आपका है, NGO का ऑफिस है उस जगह के, अगर रेंट पर है तो वहाँ से NOC, अगर ओन्ड है तो उसके NGO के नेम के लिए रजिस्टर्ड एड्रेस के लिए NOC एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा आपके लास्ट 3 ईयर्स का, एंड डोनर्स की लिस्ट देनी होगी आपको उनके पैन नंबर के सहित, जिन लोगों ने आपको डोनेशन दी है उन सभी लोगों के पैन नंबर एंड उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर देनी होगी। 12AB के रिन्यूअल के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमारे कंसल्टेंसी से भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे आप कैसे अपना 12AB का रिन्यूअल करवा सकते हैं। और हाँ, ये पेड कंसल्टेंसी होगी, क्योंकि इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, बाकी के भी जो प्रोसेस होते हैं, वो काफ़ी लेंदी होता है और टफ होता है। और अगर आप हमारे प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं, प्रीमियम मेंबर बनने का आपको फ़ायदा ये होगा कि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स, CSR स्कीम्स आएंगे 1 साल तक, वो आपको बिना किसी चार्ज के सबमिशन वगैरह करवाया जाएगा और आपको 1 साल तक कंसल्टेंसी फ्री दी जाएगी। और 12AB का जो रिन्यूअल है ये भी आपको इसी में इंक्लूड रहेगा, जिसके लिए आपको कोई भी अलग से चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट econsultancyindia.com पर विजिट कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या तो कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, आपको आगे की जानकारी हमारे एक्सपर्ट से मिल जाएगी। तो चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो आखिरी तक देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको NGO फंडिंग स्कीम्स, CSR ग्रांट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में नई नई जानकारी मिलती रहे और आपके NGO से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आएँ वो आप तक पहुँचते रहें।